पता नहीं क्यों डीमार्ट में वीडियो बनाने से मना कर दिया। वीडियो हम बनाते हैं, लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो डीमार्ट को ही तो उसमें फ़ायदा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों कर्मचारियों को बताया जाता है कि वीडियो ना बनाने दें। होगी कोई पॉलिसी उनकी, लेकिन जो भी है घटिया और ख़राब पॉलिसी है, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी, तो मैंने भी बना ली। उसके मना करने से पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई है जो मैं अपने इस YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए अब वीडियो देखिए। और थोड़ी ही वीडियो बनी थी, क्योंकि उसने मना कर दिया था, एक उनका कर्मचारी था, उसने मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है, थोड़ी बहुत वीडियो बनी है, उतनी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बाहर आकर के थोड़ी सी वीडियो बनाई थी बस, लेकिन अंदर कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आप वीडियो देखिए, आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जब मैं गुजरात में था तो ये डीमार्ट है, बिग बाज़ार की तरह है, तो इसमें शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर जाया करते थे और बहुत सस्ता सामान मिलता है। तो मैं पहली बार आया हूँ इधर अपने नॉर्थ साइड में, फरीदाबाद में है ये डीमार्ट, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान कितना सस्ता मिलता है। इधर से एंट्री लेंगे। ये देखो यहाँ पे ऑफ़र, ये इस पर 35 रुपये का ऑफ है, इस पर 9 रुपये ऑफ है। ये बोतल है लिक्विड। इधर देखो, यहाँ बाय वन गेट वन फ्री है। रसगुल्ले कितने हैं? 36। ये देखो, ये भुजिया है, एक के साथ एक फ्री, 25 रुपये की मिली है कुल, 25 रुपये की है। इधर भी देखो, ऑफर ही ऑफर। ये आलू, बहुत सस्ता सस्ता सामान ले जाते लेना। ये है ट्रायल रूम, मैंने ये पहन करके ट्राई कर लिया। इधर ये लगा हुआ है कम से कम। शॉपिंग होगी पूरी, लेकिन अंदर उसने वीडियो नहीं बनाया।